माफी। कुछ करने वाला अस्सलाम वालेकुम सर, लॉकडाउन के हवाले से इंतजामिया आज क्या एक्शन ले रही है वो जरा बता दीजिएगा। आज ये ऐसी जो दुकानें जो कि गवर्नमेंट ने जुमा हफ्ता इतवार वाले दिन बंद रखी है, ऐसी तमाम दुकानें जो खुली थी उनको हमने बंद करवाया। और इसके अलावा इनको कोई पनिश भी किया जाएगा सर? बस पेज में हम सही कर रहे हैं, अगर ये दोबारा रहते थे कि कोई वायलेशन करेंगे तो हम फाइन और एफ आई आर मारते पनिश। बिल्कुल ठीक है सर, ये पूरी तहसील में एक्शन हो रहा है सर? ये बिल्कुल ठीक होगा। कौन कौन सी दुकानें लोग खोल सकते हैं वो जरा गाइड कर दीजिएगा फिर वन सके। करियाना, जनरल स्टोर और फल सब्जी गोश, इसमें तमाम तरह के गोश शामिल है, चिकन मटन हर तरह के गोश शामिल, जरूरत जरूरी। और मेडिकल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, किस तरह की सामान बनेगा जी? बिल्कुल ठीक है। डीएसपी साहब बताइएगा कि जो डबल सवारी में पाबंदी थी वो इसी तरह से जारी है? सारी पाबंदियाँ इसी तरह है जो 3 दिन के लिए रिलैक्सेशन दी गई है जी। बाकी सारी चीजें उसी तरह है, बल्कि वो जो 3 दिन से पहले उसमें बड़ी ज्यादा वायलेशन हुई है इसके लिए दुकानें सील की गई है और सारा प्रोसेस किया गया है। आज का ये फ्लैग बार जो ये सारी चीजें ये इकाई मुहिम है कि वो लॉकडाउन का तसलसल जारी रहेगा, लोगों को पता चले कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो गया बल्कि ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही है, ताकि उसकी खिलाफवर्जी ना। जैसे सर पहले नाके चल रहे थे आज से पहले, उसी तरह से फिर दोबारा लोगों को रोका जाएगा, मूवमेंट को रोका जाएगा? उसी तरह नाके लगे हैं और ये 3 दिन स्पेशली उसी तरह जो पहले लॉकडाउन था उसी तरह लॉकडाउन है। और वही जो क्राइटेरिया पहले दुकानें खुली का था, ग्रोसरी वगैरह का, वही है जैसे ये सब रखा। पब्लिक मूवमेंट जो है उसको कैसे रोका जाएगा सर? जो नाके हैं जो ये चीजें हैं वो इसीलिए ठीक होगा, यानी आज के दिन से वही नाके इफेक्टिव होंगे, उसी तरीके से पब्लिक मूवमेंट को कम किया जाएगा, इसी तरह होगा। उसके बाद मंडे को गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो आपके सामने होगी, नेक्स्ट ऑनवर्ड मंडे से भी अगली पॉलिसी होगी। ओके करो कवरेज लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक पेज से मैं आपके साथ हूँ। आप जान सकते हैं पीछे इस वक्त शहर की जो इंतजामिया है, पुलिस है, वो मिलकर एक्शन कर रही है। कोरोना वायरस के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई थी उसके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी साहब हैं और एसी साहब हैं, हमारे थाने के एसएचओ जफरवाल बशीर अहमद डोगर साहब है। इसके अलावा सारी इंतजामिया जो है वो इस वक्त हरकत में है, लोगों की मूवमेंट के हवाले से रोका जा रहा है, दुकानों को फालतू किस्म की दुकानों को बंद किया जा रहा है, पुलिस अपनी मूवमेंट कर रही है, इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ लोगों को रोक रही है। मेरे साथ तकरीबन तहसील की सारी इंतजामिया, पुलिस, डीएसपी साहब, सर्कल के वो मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन के लिए लॉकडाउन ओपन होता है, इसके बाद लॉकडाउन जो है वो उसी तरीका का कंटिन्यू होगा जैसे पहले चलता था जी। ओके।